गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। अब आई डोंट नो आपको ये लुक अच्छा लग रहा है या ओके लग रहा है। तो ये जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है ना, ये मैंने सारे वायरल मेकअप हैक्स को ट्राई करके किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ये लुक मैंने कैसे किया, अच्छा है या बुरा है, जो भी है कैसे किया, एंड क्या मैं इस वायरल मेकअप हैक से खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा, क्या मैं ये हैक दोबारा ट्राई करूंगी, यस। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन से। आपको जो है फाउंडेशन स्पैचुला के हेल्प से अप्लाई करना है, आई गेस ये स्पैचुला के हेल्प से अप्लाई करना है। तो मेरे पास एग्जैक्ट सेम स्पैचुला तो नहीं है, बट आई हैव दिस, तो इसके मदद से हम अप्लाई करते हैं। फाउंडेशन ले लेते हैं अपने बैक ऑफ द हैंड्स पे एंड पहले मैं इसको अच्छे से लगा लेती हूँ अपने स्पैचुला में। ओके, सो इट्स लाइक दिस। वाओ, सी अप्लाई तो बहुत स्मूथली हो रहा है एंड इससे अप्लाई करने के बाद हमको करना है इसको ब्लेंड। बट जितना सीमलेसली वीडियो में अप्लाई हो गया था ना, इतना सीमलेसली मेरा एप्लीकेशन नहीं हुआ। मे बी स्पैचुला शायद प्रॉपर नहीं है एंड उनका स्पैचुला थोड़ा बड़ा भी था। सी, जैसे मैं नॉर्मल फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ एंड उसको जब मैं ब्लेंड करती हूँ एंड जिस तरीके से मैंने ये फाउंडेशन अप्लाई किया है एंड ब्लेंड किया है, मुझे रिजल्ट सेम ही मिला है। फ्यूचर क्या मैं इस हैक को यूज करके फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, देन द आंसर इज नो, क्योंकि इफेक्ट सेम ही है, बस काम बढ़ाने वाली चीज है यार। ओके, देन नेक्स्ट हैक जो है वो है ओम्ब्रे ब्लश हैक। तो सबसे पहले आपको लाइट शेड ऑफ कंसीलर अप्लाई करना है, देन डार्क शेड, एंड देन उसके बाद आपको ब्लश अप्लाई करना है। सबसे पहले आएगा लाइट शेड एंड देन डार्क शेड। ओके, लाइट शेड के लिए मैं यूज करूंगी मैट लुक का जंबो कंसीलर एंड इसको अपने इनर साइड में अप्लाई करूंगी, अ लिटिल डार्कर शेड। देन ब्लश, ये कोरल शेड में है, एंड लास्टली ये पिंक शेड वाला ब्लश। ये बहुत ज्यादा डार्क है वैसे। ओके, अब इसको ब्लेंड करना है, तो ब्रश से मैं ब्लेंड नहीं करूंगी, मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड करूंगी। सबसे पहले इनर कॉर्नर से ब्लेंड करते करते हम आउटर कॉर्नर्स पे जाएंगे। अंडर आईज इससे ना मेरी पूरी पिंक लग रही है। अब मैंने सही तरीके से ब्लेंड किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ऑनेस्टली मेरे को ये हैक बिल्कुल पसंद नहीं आया गाइस। पिंक अंडर आईज दिखना या आउटर कॉर्नर से पिंक दिखना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, सो दिस इज डन। अब नेक्स्ट हैक पे मूव करते हैं, विच इज रिगार्डिंग द आई शेडो। एंड ये वाला हैक तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, बट इसको मैंने एक बार ट्राई किया था, बट ये मेरे से इतना अच्छे से हुआ नहीं था, तो चलो इसको फिर से ट्राई करके देखते हैं। जिसके लिए मैं थोड़ा लाइट शेड ही यूज करूंगी तो मैं शुगर के आई शेडो पैलेट में से ही यूज करूंगी। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लाइट ट्रांजिशन शेड। देन आई विल पिक दिस ऑरेंज शेड। देन इसमें शिमर शेड है, तो मैं पहले ये बर्गंडी शेड पिक करूंगी। बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है ये। एंड लास्टली आई विल पिक दिस ब्यूटीफुल सा गोल्डन शेड। एक्चुअली मैंने सेम ब्रश यूज कर लिया ना, तो ये गोल्डन शेड कुछ अलग ही हो गया, बट इट्स ओके। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड अब इसको हम करते हैं ब्लेंड with the help of blending brush।
today. So this is how my eye makeup looks right now. And ठीक लग रहा है मुझे ये. Not too good, not too bad. ठीक है. मतलब ऐसा लग रहा है कि शुरुआत ही ऐसे हुई है ना कि ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं ये मेकअप हैक्स से. ऐसा मुझे लग रहा है कि जो नॉर्मली हम चीज़ें करते हैं ना वो बेस्ट है. जिस तरीके से आई शेडो लगाना चाहिए वही वैसे ही लगाओ यार. मतलब ठीक ही चल रहा है अभी तक तो. बट स्टिल इट्स लुकिंग गुड. देन सेकेंड लास्ट हैक जो हम ट्राई करेंगे वो है ब्लश हैक, जो कि इंस्पायर्ड है कैटरीना कैफ से. तो ब्लश को ऐसे क्रॉस करके आपको आपके नोज पे लगाना है, चिन पे लगाना है, आईज पे लगाना है, चिक्स पे लगाना है एंड देन फिर उसे ब्लेंड करना है. ओके सो लेट्स डू दैट. सो मैं ना ये सेम ब्लश यूज करूंगी. तो सबसे पहले क्रॉस करना है. ओके क्रॉस क्यों नहीं बन रहा भाई. देन ओके थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं आई गेस यहां पे थोड़ा सा. एंड इसको हम ब्लेंड करेंगे. तो अगेन ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं ब्लेंड करूंगी. ओके सो दिस इज डन. एंड अब लास्ट हैक जो हम करने वाले हैं वो है लिपस्टिक का. तो आपको क्या करना है, कॉटन बर्ड को लेना है एंड देन उसके हेल्प से लिपस्टिक अप्लाई करनी है. इतना सीमलेसली इसमें अप्लाई हो चुका है. अब मैं ट्राई करके देखती हूँ सच में इतना जैसे अप्लाई हो पाएगा कि नहीं. मैं ये लिपस्टिक यूज करूंगी एंड सबसे पहले मैं कॉटन बर्ड अप्लाई कर लेती हूँ. इसमें तो ऐसा लग रहा है मेरी लिप्स ही छुप जा रही है. अब कैसे होल्ड करना है. लिपस्टिक प्रॉपर तरीके से अप्लाई तो नहीं हुई है. थोड़े थोड़े कॉर्नर्स रह गए हैं बट स्टिल ओवरऑल एप्लीकेशन सही से हो गया है बट कुछ कुछ कॉर्नर्स रह गए हैं. सबसे पहले मैं उसको फिक्स कर देती हूँ. एंड गाइस टू बी वेरी ट्रू जब मैं ये वाला हैक ट्राई कर रही थी ना तो मुझे कंटिन्यूसली एक डर लग रहा था कि अभी कॉटन बर्ड मेरे मुँह से निकलने वाला है. सो ओवरऑल इट्स गुड बट मोस्टली मैं प्रिफर करूंगी कि जिस तरीके से मैं नॉर्मल लिपस्टिक लगाती हूँ मैं वैसे ही लगाऊँ. सो गाइस कुछ इस तरीके से मेरा मेकअप हुआ है यूजिंग वायरल मेकअप हैक्स. एंड टू बी वेरी ट्रू मुझे इतना ज़्यादा हैक्स पसंद नहीं आए यार. वो वायरल हो गए या तो मैं ढंग से नहीं कर पाई बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं अपना मेकअप करती हूँ या जो एक तरीका है मेकअप करने का वही बेस्ट है यार. ये हैक तो मुझे नहीं जमा बट इट वॉज गुड ठीक ठाक था. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.